स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल राइज ऑफ जर्नी पर। इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर की 20 सबसे अच्छी जगह घूमने की कौन सी है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। नंबर 20, फूलबाग पार्क। कानपुर के मॉल रोड में बना फूलबाग पार्क, जिसको गणेश शंकर विद्यार्थी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह पर भारत के क्रांतिकारी और राजनेताओं के बीच आज़ादी को लेकर मीटिंग्स हुआ करती थीं। फूलबाग पार्क के अंदर कानपुर का सबसे ऊंचा इंडियन फ्लैग लगा है, जिसकी ऊंचाई 160 फीट है। नंबर 19, मैस्कर घाट। कानपुर के कैंट एरिया में गंगा किनारे स्थित मैस्कर घाट, ये कानपुर का एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए ये जगह बहुत ही खास है। इस घाट को नरसंहार घाट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 450 से भी ज्यादा अंग्रेजों का नरसंहार हुआ था। इसको सती चौरा घाट के नाम से भी जाना जाता है। मैस्कर घाट पर आपको अखाड़ा भी देखने को मिलेगा। नंबर 18, मोती झील पार्क। मोती झील पार्क कानपुर के स्वरूप नगर एरिया में है। इसके अंदर एंट्री के लिए आपको 10 रुपए का टिकट लेना होता है। पार्क के अंदर एक बहुत बड़ी और खूबसूरत झील बनी हुई है, और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का एक स्टैचू भी बना हुआ है। फोटो शूट के लिए ये जगह एक अच्छा ऑप्शन है। ये पार्क कारगिल में शहीद हुए जवानों की याद में बनाया गया है। नंबर 17, जैपनीज गार्डन। जैपनीज गार्डन मोती झील पार्क से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। ये जगह बच्चों के लिए बहुत ही खास है। यहाँ पर एंट्री के लिए आपको 25 रुपए का टिकट लेना होगा। आप यहाँ पर अपने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। नंबर 16, पनकी मंदिर। पनकी मंदिर कानपुर का बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि कानपुर के पनकी क्षेत्र में पड़ता है। इस मंदिर में लोग हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत ही दूर दूर से आते हैं। पनकी मंदिर की स्थापना महंत पुरुषोत्तम दास जी ने की थी। एक बार जब महंत जी चित्रकूट से लौट रहे थे, तब आज जहाँ पर पनकी मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर उन्होंने एक चट्टान देखी, जिसका स्वरूप हनुमान जी की तरह था। इसके बाद उन्होंने इस जगह पर इस मंदिर का निर्माण करवाया। मंगलवार को पनकी मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और यहाँ पर मेला भी लगता है। नंबर 15, आनंदेश्वर मंदिर। कानपुर के सिविल लाइन्स क्षेत्र में स्थित आनंदेश्वर मंदिर कानपुर का एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यहाँ पर लाखों की संख्या में शिव भक्त शिव जी के दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर गंगा किनारे स्थित है। नंबर 14, गंगा बैराज। गंगा बैराज कानपुर का एक खूबसूरत प्लेस है, जहां पर लोग शाम को अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। गंगा बैराज के बगल में ही बना हुआ है अटल घाट, जिसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आपको यहां भी जरूर आना चाहिए। नंबर 13, कानपुर जू। चाहे कोई भी सिटी हो, वहाँ का जू जरूर लिस्ट में होता है घूमने के लिए। इसी तरह अपने कानपुर का भी जू है। कानपुर जू बहुत बड़ा है, आप चाहे तो बैटरी रिक्शा से भी घूम सकते हैं। यहाँ पर आप भालू, तेंदुआ, शेर, गेंडा ऐसे बहुत से जानवर देख सकते हैं। यहाँ पर बर्ड्स का भी अलग सेक्शन बनाया हुआ है। नंबर 12, वाल्मीकि आश्रम। हमारी अगली लिस्ट में कानपुर से 25 किलोमीटर दूर बिठूर में स्थित वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता ने अपने पुत्र लव और कुश के साथ अपना यहाँ पर कुछ समय व्यतीत किया था। महर्षि वाल्मीकि इसी स्थान पर अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। इस स्थान का निर्माण पेशवा बाजीराव द्वितीय ने करवाया था।
नंबर 11 नानाराव पेशवा स्मारक। बिठूर का नानाराव पेशवा स्मारक, इसी स्थान पर पेशवा नानाराव रहा करते थे और रानी लक्ष्मीबाई का बचपन यहीं पर बीता था। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने इस जगह को तहस नहस कर दिया था। बाद में भारत सरकार ने इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया। इसी स्थान पर नानाराव पेशवा ने अपने सेनापति तात्या टोपे के साथ आजादी का बिगुल फूंका। नानाराव पेशवा स्मारक के अंदर ही म्यूजियम भी बना हुआ है, जहां पर 1857 की क्रांति के समय की बंदूकें, तलवार और तात्या टोपे का खंजर भी रखा हुआ है। नंबर 10 बिठूर का ब्रह्मावर्त घाट। कहते हैं यहीं पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके पृथ्वी के प्रथम पुरुष मनु और प्रथम महिला सतरूपा की उत्पत्ति की थी। ये पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, यहीं से सृष्टि का संचालन शुरू हुआ था। ब्रह्मावर्त घाट के बगल में ही बना हुआ है पत्थर घाट, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। घाट के ऊपर ही महाकालेश्वर मंदिर बना हुआ है, जिसको अवध के मंत्री टिकैत राय ने बनवाया था। नंबर 9 सुधांशु आश्रम। बिठूर का सुधांशु आश्रम, जो कि बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट घूमने के लिए आते रहते हैं। इस आश्रम में कैलाश पर्वत बनाया गया है, जिसमें भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी कार्तिकेय जी के साथ विराजमान है। इस पर्वत के अंदर बहुत बड़ी गुफा बनी हुई है, जिसके अंदर आप 20 रुपए का टिकट लेकर जा सकते हैं। नंबर 8 गुप्तकालीन मंदिर भीतरगांव। ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो कि गुप्त साम्राज्य के समय में ईंटों से बनाया गया था। ये गुप्तकालीन राजा का प्राइवेट टेंपल हुआ करता था। 1877 में भारत के सर्वेयर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम ने सबसे पहले इस मंदिर को देखा था। स्थानीय लोग कहते थे कि ये मंदिर भूतों ने बनाया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 1905 में भारत सरकार ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर की ऊंचाई 50 फीट और मोटाई 8 फीट है। पुरातत्व विभाग इस मंदिर की सुरक्षा करता है। ये मंदिर राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित है। ये लगभग 1500 साल पुराना मंदिर है। नंबर 7 जगन्नाथ मंदिर बेहटा बुजुर्ग गांव। कानपुर से 30 किलोमीटर दूर बेहटा बुजुर्ग गांव, जहां पर बना हुआ है भगवान जगन्नाथ का रहस्यमय मंदिर। कहते हैं ये मंदिर बारिश की भविष्यवाणी पहले ही कर देता है। भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर मानसून आने के 7 दिन पहले ही भविष्यवाणी करता है। ये मंदिर की देखरेख पुरातत्व विभाग करता है। यहाँ पर बहुत से साइंटिस्ट आए, लेकिन आज तक पत्थर से टपकते पानी का रहस्य कोई नहीं सुलझा सका। नंबर 6 शोभन सरकार। कानपुर का शोभन सरकार मंदिर, जो कि कानपुर से 40 किलोमीटर दूर बना हुआ है। इस जगह का निर्माण महान संत शोभन सरकार जी ने करवाया था, जिन्होंने समाज कल्याण के बहुत से कार्य किए हैं। यहां पर घूमने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये जगह 1 किलोमीटर तक बनी हुई है। आपका इस जगह पर आने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। झील से आगे बढ़ते ही आपको यहाँ पर शोभन मंदिर मिलेगा, जहाँ पर आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। नंबर 5 जैन ग्लास टेम्पल। जैन ग्लास मंदिर कानपुर के जनरलगंज में कमला टावर के पीछे महेश्वरी मोहाल में बना हुआ है। इस मंदिर का पूरा नाम श्री धर्मनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण जैन समुदाय द्वारा उनके धर्म के 24 तीर्थकरों की याद में करवाया गया है। इस मंदिर को बने लगभग 150 साल पूरे हो चुके हैं। मंदिर में ताम्र, चीनी और कांच की सुंदर सजावट की गई है, और कांच की दीवारों पर राजस्थानी व ईरानी शैली की अद्भुत कला दिखाई गई है। ये मंदिर महावीर स्वामी और उनके शिष्यों को समर्पित है। नंबर 4 कानपुर बोट क्लब। कानपुर का बोट क्लब गंगा बैराज रोड पर बना हुआ है। बोट क्लब में एंट्री के लिए आपको टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग टिकट प्राइस लगेंगे। बोट क्लब कानपुर का एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, जिसकी टाइमिंग सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक की है।
अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो बोटिंग भी जरूर कीजिए। यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए बहुत सारे स्पॉट्स बनाए गए हैं। बोट क्लब में इवनिंग में गंगा आरती भी होती है, आप चाहें तो गंगा आरती में भी शामिल हो सकते हैं। नंबर 3, जेके मंदिर। जेके मंदिर जो कानपुर का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जिसको राधा कृष्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जेके मंदिर कानपुर के सर्वोदय नगर में पड़ता है। जेके मंदिर सुबह 6 से 12 और शाम को 4:30 से 9 बजे तक खुलता है। इस मंदिर में 60 सालों से निर्माण कार्य जारी है, जिसका संबंध जेके ग्रुप की तरक्की से है। नंबर 2, इस्कॉन टेंपल। कानपुर का इस्कॉन टेंपल जो मैनावती मार्ग में पड़ता है, ये मंदिर सुबह 6 से 12 और शाम को 4 से 9 बजे तक खुला रहता है। ये मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ पर जन्माष्टमी बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। इस्कॉन टेंपल बाहर से देखने में जितना ज्यादा सुंदर लगता है, उतना ही अंदर से है। इस मंदिर में हमेशा हरे रामा हरे कृष्णा के स्वर ही गूंजते रहते हैं। नंबर 1, ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क। ब्लू वर्ल्ड एक वाटर और एंटरटेनमेंट पार्क है, जो मंदना बिठू रोड पर स्थित है। यहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यह थीम पार्क देश के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। ब्लू वर्ल्ड सुबह के 10:30 बजे से शाम के 7:30 बजे तक खुला रहता है। पिकनिक स्पॉट के तौर पर कानपुर की यह जगह काफ़ी फेमस है। यहाँ पर आप म्यूजिक फाउंटेन, लेजर शो और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देखने के लिए आ सकते हैं।